विनम्र अपील करता हूं सीएमए जो एग्जामिनेशन कमेटी के लोग हैं, सीएमए की जो अथॉरिटी हैं, कि प्लीज आप बच्चों के भविष्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए सीएमए के एग्जामिनेशन को, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, मैं कोई डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आप लोग बच्चों के भविष्य को ध्यान रखते हुए प्लीज आप लोग ये कोशिश करें कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो। ठीक है, परिस्थितियां विपरीत थी, कोरोना काल था, उस समय ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया गया। आज एक बच्चा जब परीक्षा की तैयारी करता है, सीएमए की तैयारी करता है, तो एक बेहतर भविष्य को देखता है, लेकिन उस बेहतर भविष्य के साथ जिस तरीके से एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और आप लोग इतने जिद पे क्यों अड़े हैं कि ऑनलाइन ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ऑनलाइन ही लेना है, इस जिद को आप लोग छोड़ें और छोड़ करके बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान दें, गुटबंदी को छोड़ें, एक दूसरे की बातों को हटा करके छोड़ें। मैं फिर से विनम्र अपील कर रहा हूं कि सीएमए के एग्जामिनेशन को आप ऑफलाइन लें। एक बार गलती आदमी करता है तो कहते हैं दूसरी बार सुधार लेता है, फिर एग्जामिनेशन हुआ, आज से एक दिन पहले सीएमए इंटर के एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं, आधे से ज्यादा जगह बच्चे एग्जामिनेशन दे नहीं पाए हैं। आप लोगों ने कभी सोचा, बच्चा जो गांव का एक बच्चा है लैपटॉप पे सीधे एग्जामिनेशन देने ऑनलाइन आता है, उसमें भी आप कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके उसको आप स्कैन करिए, स्कैन करके अपलोड करिए, अगर आपका मन करे तो अपलोड करिए। क्या है यार, ये क्या हो रहा है? एक बच्चा अगर, जब आप ये पूरी बातों को देखते हैं कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर में लाइट गोल हो गया, बच्चा बैठा हुआ है, पैनिक होता है बच्चा, साल भर तैयारी करता है, इसके बाद एग्जामिनेशन देने जाता है, वो एक भविष्य को देखता है, वो सीएमए में एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहता है, बीच में लाइट गोल हो गई, एक बार एग्जामिनेशन नहीं होगा, 10 दिन बाद फिर एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर होगा। अरे एक बार बच्चा जब पूरी तैयारी कर लेता है ना, तो पूरा उसका एनर्जी, पूरा उसका एंथू सब खत्म होता है भाई। आप लोग थोड़ा सा सोचो, एग्जामिनेशन सेंटर में लाइट जाना, आधे से ज्यादा जगह एग्जामिनेशन नहीं हो पाना, नेटवर्क का हरदम प्रॉब्लम होना। अरे आप लोग मोबाइल लैपटॉप यूज करते हो कि नहीं करते? आप लोग देखते हो कि अगर हम 10-15 मिनट बात करते हैं तो कई बार आवाज आगे पीछे हो जाती है। यहाँ 3 आवर एग्जामिनेशन देना है, नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम होता है। यहीं तक नहीं, आप बोलते हो स्कैन करके अपलोड कर दो। अरे यार बच्चे को इतना नॉलेज नहीं है, गांव का बच्चा ढंग से दे नहीं पा रहा है, क्यों इस प्रोफेशन को आप बर्बाद करने पे तुले पड़े हैं? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बड़ा सुंदर प्रोफेशन है, इसी प्रोफेशन की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सीएमए एक कॉमर्स का बहुत ही अच्छा कोर्स है, बिल्कुल लीजिए ना, फाउंडेशन का होम बेस लेते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। और एकदम अगर जिद पे ही अड़े हैं कि मैं ऑनलाइन लूंगा, तो ऑनलाइन अगर एग्जामिनेशन लेना है तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में लीजिए। उसमें बच्चा टाइप कर रहा है, टाइपिंग की प्रैक्टिस है क्या? हर बच्चा अब लैपटॉप खरीद ले, टाइपिंग की प्रैक्टिस बच्चों को रहती है क्या कि एक एक शब्द ढूंढ करके टाइप करता है, टाइप करके थ्योरी का आंसर लिख रहा है? ये तरीका शायद, मैं सोचता हूं कि मेरी बात में, फिर से आप लोगों से विनम्र अपील कर रहा हूं, हमारे ही सीएमए जैसे सीए है, सीएस है, ये सब ऑफलाइन हो गए, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है, पता नहीं क्या बातें हैं जो आप एकदम जिद पे अड़े हैं कि नहीं, मैं तो कुछ भी हो जाए ऑनलाइन ही लूंगा। अरे कुछ अलग करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप ही अलग हो जाएं, हमारा कोर्स ही अलग हो जाए, और 2-4-5 लोगों के ऐसी सोच की वजह से ये सीएमए कोर्स बलि न चढ़ जाए। आज हर जगह पेपर में छप रहा है, चीजें छप रही है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, मुझे लगा था कि शायद इसके बाद समाज में आ जाएगा, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रोफेशनल होने के नाते, एक सीएमए पास आउट होने के नाते, ये पीड़ा मैं आप लोग तक पहुंचा रहा हूं, बच्चों की पीड़ा आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आदरपूर्वक विनम्र निवेदन करता हूं, आप थोड़ा थिंक करिए, आपके भी बच्चे होंगे कि सीएमए में क्या क्या बच्चों को तकलीफ हो रही है, बच्चे कितने पैनिक हो रहे हैं, बच्चों का ये भविष्य है। अगर हो सके तो मेरी बातें आप लोग जरूर अमल करिए, मानना नहीं मानना तो कुछ 4-6-8 लोगों के हाथ में है, बट अमल जरूर करिएगा। नमस्ते, प्रणाम, ऑल द बेस्ट।